Today we are going to solve the question 2.11 from the book Digital Design by Maurice Menon and Michael DiCelletti. The question is, list the truth table for this function a, f is equal to दिया हुआ है और एक और पार्ट है b में भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x dash z dash plus y z. इन दोनों फंक्शंस के लिए हमें इसका ट्रूथ टेबल लिस्ट करना है. ठीक है, अब यहाँ पर आप ए पार्ट करते हैं, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश जेड. तो यहाँ पर आप फंक्शन में देखिए, यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड. ठीक है, तो यहाँ पर आप वाई डैश की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो आप क्या करें, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल ले लें. तीन वेरिएबल के आपको टोटल ऑप्शन पता है कितने होते हैं, एट होते हैं. तो आप एट ऑप्शन होते हैं, मतलब जीरो से लेकर सेवन तक आप बाइनरी में लिख लें, जीरो 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 वन और सेवन के लिए वन वन वन. ठीक है, अब ये आपका वाई का वैल्यू आ गया है. अब वाई का वैल्यू का आप कॉम्प्लीमेंट कर लें, मतलब ये वाई कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी ये वाई कॉम्प्लीमेंट है. तो वाई कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई जहाँ पर जीरो है वहाँ पर वन कर दें, जहाँ पर वन है वहाँ पर जीरो कर दें, जहाँ पर जीरो है वहाँ पर वन कर दें, जहाँ पर वन है वहाँ पर जीरो कर दें. तो ये वाई कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आ गया. अब नेक्स्ट आपको चाहिए एक्स और वाई के बीच एंड ऑपरेशन. तो एक्स और वाई के बीच एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन में जहाँ पर भी एक्स की वैल्यू जीरो हो वहाँ तो जीरो ही आएगा, सभी दूर जीरो आ जाएगा. तो यहाँ पर ये चार जगह तो आपका जीरो आ ही गया. ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट फोर ऑप्शन में देखिए, जहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो होगी वहाँ पर एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा. तो ये भी दोनों जीरो आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो है, और नीचे के दो जो आपकी वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, ये दोनों वन है, इसलिए एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर वन आएगी. अब एक्स वाई डैश देख लीजिए, तो एक्स और वाई डैश इनका मल्टीप्लीकेशन करना है. तो जहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है वहाँ तो एक्स वाई डैश का मतलब एक्स और वाई डैश का मल्टीप्लीकेशन जीरो ही आने वाला है, मतलब एंड ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड ऑपरेशन. और एक्स और वाई डैश, तो अब यहाँ पर आप वाई डैश का देख लें कि वाई डैश की वैल्यू कहाँ जीरो है. तो यहाँ पर इन दो केस में ये वन है, दोनों की वैल्यू वन वन है. तो यहाँ पर आपको एक्स वाई डैश का वैल्यू वन मिलने वाला है, और यहाँ पर वाई डैश का वैल्यू जीरो होने के कारण एक्स वाई डैश का वैल्यू जीरो हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाई डैश जेड, वाई डैश और जेड. तो जहाँ पर जेड की वैल्यू जीरो है वहाँ तो आप बिल्कुल जीरो लिखते हैं, अल्टरनेट में जीरो है तो आप जीरो लिखते हैं अल्टरनेट में. ओके, अब आप देख लें कि जेड की वैल्यू सॉरी वाई डैश की वैल्यू कहाँ पर जीरो है. वाई डैश की वैल्यू अल्टरनेट में देख लें कि यहाँ पर वन है तो यहाँ पर वन आ जाएगा अल्टरनेट में, यहाँ पर जीरो है तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर वन है तो यहाँ पर वन आ जाएगा, और नेक्स्ट में जीरो है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा. देखिए वन और जीरो का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा. अब हमें एफ में क्या करना है, एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश जेड, मतलब इन तीनों के बीच हमें और ऑपरेशन करनी है. ठीक है, और ऑपरेशन में क्या होता है, इन तीनों में से किसी भी एक की भी वैल्यू वन हो तो एफ का वैल्यू वन आएगा उस केस के लिए. ठीक है, तब जहाँ पर भी आपको वन दिख रहा हो, तो यहाँ पर वन दिख रहा है तो ये वन आ जाएगा, यहाँ पर जीरो जीरो है, यहाँ पर वन दिख रहा है तो ये भी वन आ जाएगा, यहाँ पर वन है, दो की वैल्यू वन है तो वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा. लेकिन ये जो दो केसेस है इसमें इन तीनों की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो आंसर आएगा. और यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला जो जीरो 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 का ऑप्शन है ये भी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो तो जीरो आ जाएगा. ये हमने यहाँ पर इसकी ट्रूथ टेबल लिस्ट की है. ठीक है, अब हम बी पार्ट करते हैं. अब बी पार्ट में देखिए क्या है, एफ इज इक्वल टू एक्स डैश जेड डैश प्लस वाई जेड, मतलब यू नीड अगेन एक्स वाई जेड और एक्स डैश एंड जेड डैश. तो एक्स वाई जेड के लिए तो आपने यहाँ पर ये टोटल जीरो से लेकर सेवन तक लिख लिया है. अब एक्स डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स का जो कॉलम है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, मतलब वन 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 एंड जीरो 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 जीरो. जेड डैश के लिए जेड का कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, मतलब जहाँ पर जीरो है वहाँ पर वन, जहाँ पर वन है वहाँ पर जीरो, तो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपका एक्स डैश और जेड डैश के बीच एंड ऑपरेशन है. तो एंड ऑपरेशन में वन तभी मिलता है जब दोनों वन हो, तो जहाँ पर दोनों वन हो वहाँ पर वन लिख दीजिए, दोनों का वैल्यू वन. यहाँ पर भी ये दोनों एक्स डैश जेड डैश का वैल्यू वन है तो ये वन आ गया, है ना. इंटरेस्ट ऑफ द केसेस देखिए, किसी जेड डैश की वैल्यू जीरो है या फिर एक्स डैश की वैल्यू जीरो है, तो ये तो जीरो ही आएगा चारों केस में, है ना. और यहाँ पर ऊपर जहाँ पर जीरो है जेड डैश का वैल्यू जीरो, इसलिए जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. अब वाई जेड का वैल्यू देखिए, वाई और जेड, तो जहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो है वहाँ तो आप जीरो जीरो लिख दीजिए, ये अभी बाद में भरेंगे, ये वाला देख लीजिए जीरो जीरो. ओके, ठीक है. अब हम इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जेड का वैल्यू देख लेते हैं कि जेड का वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पे जीरो है तो ये जीरो आएगा, ये वन है तो ये दोनों वन है तो यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर जेड का वैल्यू जीरो है तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पर वाई और जेड दोनों का वैल्यू वन है तो यहाँ पर वन आ जाएगा. अब यहाँ पर एफ इज इक्वल टू जो आपका फाइनल फंक्शन है, दैट एफ इज इक्वल टू एक्स डैश जेड डैश प्लस वाई, मतलब ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम के बीच आपको और ऑपरेशन करनी है. तो और ऑपरेशन में क्या होता है, जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू वन हो तो आपको आउटपुट में वन मिलेगा. ठीक है, तो एक की भी वन हो तो आप वन लिख दीजिए, जब दोनों की जीरो हो तो जीरो मिलेगा, वन है तो वन, इसकी वन है तो वन,
दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो, दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो, दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो, और इसकी एक वन है तो वन। तो ये आपने ट्रुथ टेबल लिस्ट की है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।